ओशो दे विचार गुरु नानक देव जी बारे। नानक कहिंदे हन गुण भी गाउंदे हन लोक तां दे कह के मंगदे ही जांदे हन ते दाता दिंदा ही रहिंदा है। अन्यां नूं विखाई नहीं दिंदा, मंगदे ही रहिंदे हन, दिओ होर दिओ। चारे पासे मीह वर रिहा, लोक रौला ही पाउंदे रहिंदे आ कि असीं तिहाए हाँ। जिवें शिकायत नाल मोह बन गया, जिवें दुख नाल लगाव हो गया, फिर इस दे अगे की रख्या जाए कि उहदे दरबार दा दर्शन होवे। यह बहुत वड्डी महानता वाली गल है। नानक कह रहे उन्हें इन्ना दिता, मंगण नूं कुछ नहीं छड्या। जद शिकायत हट जाती है तो आहो भाव पैदा हुंदा है, तुसीं धन्नवाद देण जांदे हो तां की रखिए उहदे चरणां च, की भेट लै जाइए उहदे दर ते, फिर की अगे रखी है जिद दिसै दरबार। उहदे दरबार च असीं की रखिए, धन्नवाद देण लई की भेट लै के जाइए, की अर्पण करिए उहदे चरणां विच, किवें करिए पूजा, किवें करिए अर्चना। तुसीं फुल लै जांदे हो तोड़ के, उहदे ही फुल चंगे सन, रुख उत्ते जिउंदे सी, तुसीं तोड़ के मार सुट्टे। उहदे ही फुल्लां नूं मार के उहदे चरणां च चढ़ाउंदे हो, तुहानूं शर्म भी नहीं आउंदी। तुसीं उहनूं दिओगे की? सारा कुछ उसे दा दित्ता होया। तुसीं धन ला के मंदर खड़ा कर दिओ, नवां गुरद्वारा बना दिओ, मस्जिद का निर्माण कर दिओ, पर तुसीं कर की रहे हो? उस दियाँ दित्तियां हुई चीज़ों मुड़ वापस करी जाते हो, फिर भी तुसी आकड़े नहीं समाते हो। तुसी कहते हो मैं मंदिर बनाया, मैं इन्ने गुरुद्वारे बनाए, मैं इन्ना भोजन वंडिया, मैं इन्ने कपड़े वंडे। तुसी आकड़ते हो, तुसी थोड़ा जिहा दे ही देंदे हो, तुहाडे हंकार का अंत नहीं हुंदा। इह तो की खबर मिलती है? इह तो खबर मिलती है कि तुसी समझ ही नहीं सके कि जीवन ने जो तुहानू दिता उहनू मुड़ वापस करन च तुहाडा की है। तुसी इह भेट देण जांदे हो ते शर्मिंदे भी नहीं हो। उहदे चरणां च की रखिए, नानक पुछदे उहदे अगे की रखिए, तां जो उहदे दरबार दा दर्शन होवे, तां जो असीं उहदे नेड़े आ जाईए, साडी भेंट स्वीकार हो जाए। की रखिए? केसर च रंगे चौल, खरीदे फुल, तोड़े हुए पत्ते, धन दौलत की रखिए? नहीं, कुछ भी रखण नाल कुछ नहीं बनेगा। जे तुसीं इह समझ जाओ कि सारा कुछ उसे दा, बस भेंट स्वीकार हो गई। जदों तक तुसीं इह समझ रहे हो कि कुछ मेरा है, तद तक तुसीं रखण दी गल सोच रहे हो। जब तुसीं समझदे हो मैं आप ही मालक हाँ, चाहवां तां भेट कर सकदा, तद तक तुसीं भुल्लां नाल भरे हुए हो। तुसीं कुछ भी रखदे हो, सारा राजपाठ रखदे हो अपना, तद भी तुसीं कुछ रखिया नहीं, क्योंकि सब कुछ उहदा सी, तुसीं उहदे हो। तुसीं जिहड़ी कमाई कीती, तुसीं जो कुछ इकट्ठा कर लिया, उह भी उसे दी खेड है। नानक कहिंदे आ कि रखिए जो तेरे दरबार दा दर्शन होवे। की रखिए? किवें तेरी प्रतीति होवे, तेरा प्रतख मिलन होवे, कि तेरी अख नाल अख मिले। की लियाइए तैनूं अर्पण करन लई? जे तैनूं समझ आ जाए कि सारा कुछ उसे दा है, तां कुछ लै जाण दी लोड़ नहीं रहिंदी। फुल रुखां उत्ते ही उहदा चढ़ावा हन, सारा कुछ उहनूं अर्पण ही होया। चन्न तारे उहनूं अर्पण हन, तुहाडे घिओ दे दीवे हुण होर की करनगे? चन्न सूरज उहनूं चढ़े हुए हन, तुसीं थोड़े घिओ दे दीवे बाल के चढ़ा भी दिओगे तां की होएगा? आदमी जेकर ठीक तरह अखां खोल के वेखे तां सारी कुदरत उहदी उस्तति विच है। यही तां अर्थ है साहिब दा, उह सारिआं दा मालक है, सब कुछ उहनूं अर्पण है। इस लई नानक कहिंदे की लियाइए? यही सवाल है नानक दा, की चढ़ाइए? मुखों किहड़ी बोली बोलीए जिहनूं सुण के उह प्यार करे? की कहीए उहनूं? किहड़े शब्दां दी वरतों करिए? किवें उहनूं रिझाइए? किवें उहनूं राज़ी करिए? किवें असीं कुछ करिए कि उहदा प्यार वरे? नानक उत्तर देंदे मालूम नहीं हुंदे, सवाल पा के छड़ दित्ता है। यही कला है, क्योंकि उह इह कह रहे आ कि असीं कुछ भी बोलीए उही साडे राहीं बोल रहा है, उहदे ही शब्द उहनूं ही चढ़ाए। इहदे च की सियाणप है? उहदा दित्ता होया ही बेहा करके उहनूं मोड़ देना, इह सिर्फ अग्ञानी कर सकदा। ग्ञानी तां पाउंदा है कि चढ़ावे लई कुछ भी नहीं बचिया, क्योंकि मैं खुद ही चढ़ावा हाँ। तो ज्ञानी पाउंदा है कि कोई शब्द उहदी प्रार्थना नहीं बन सकणगे, क्योंकि सारे शब्द उसे दे है, उही बोल रहा है, उही धड़क रहा है हिरदे च, उही सवासां दा सवास है। फिर ज्ञानी की करे? नानक कहिंदे अमृत वेले सतनाम दी महिमा दा ध्यान करो, होर कुछ करन नूं नहीं है। समझदार की करे? अमृत वेले सतनाम दी महिमा दा ध्यान करे। धन्यवाद।